नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां पहले देश में ही मोदी की मन की बात होती थी, अब पूरे दुनिया के साथ पीएम मोदी बात करेंगे। जी हां, सही सुना आपने, अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा अभी से ही जन जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। साथ ही पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के प्रसारण को दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचाने की योजना तैयार की है। इस बार पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण किया जाएगा। इस तरह की रणनीति से दुनिया के उन देशों में पीएम मोदी के मन की बात को पहुंचाया जा सकेगा जो देश उनको सुनना चाहते हैं। सभी देश प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना करते हैं और 2024 से पहले बीजेपी का मुस्लिम बाहुल इलाकों में फोकस है। आपको बताते चले कि मुस्लिमों को उर्दू में मन की बात को समझाने का प्रयास किया जाएगा। मदरसों, बुद्धिजीवियों में मन की बात का उर्दू संस्करण बटेगा। 130 से अधिक पन्नों की किताब में 12 संस्करण शामिल है। वही प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने को लेकर ये टारगेट बीजेपी लगातार बना रही है। होगा तो वहीं अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए अब उर्दू में मन की बात भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी ताकि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो आसानी से पीएम की बातों को समझ सके। वहीं पीएम मोदी द्वारा लगातार जन जन तक केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाने का भी अब लक्ष्य रखा गया है ताकि यूपी की सभी 80 सीटें भाजपा जीत सके। सभी 80 सीटों का लक्ष्य लेकर भाजपा अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली की राजनीति में अब पोस्टर को लेकर आमने सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने का भी आरोप लगा था, तो वहीं आज भाजपा पर केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले दिल्ली के कुछ जगहों पर मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगा था और पोस्टर लगने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया और 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिसके बाद 100 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वही आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर केजरीवाल हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी में काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अब दिल्ली पुलिस इस कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। यह प्रदर्शन जंतर मंतर पर किया जाएगा। इस प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं ही जारी रहेगा या आपका प्रदर्शन कुछ रंग लाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जहां एक तरफ दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगा तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का भी पोस्टर लगा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्या लगता है? वही व्यवस्था है जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर और राहुल गांधी कैबिनेट मिनिस्ट्री में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस समय लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, तो वहीं अब यहां पर दूसरी शुरुआत हुई है और उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में पोस्टर वार शुरू हो गया है। और पोस्टर वार के तहत अगर हम बात करें तो यहां पर कल मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर से बैन भी मिली थी और लगभग 100 से ज्यादा लोगों पर FIR हुई थी, 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। और यहां पर बीजेपी का कहना था कि जिस तरह से यहां पर आम आदमी पार्टी ही इसमें संलिप्त है और आम आदमी पार्टी कहना था कि 56 वाला हमसे डर गया है और पोस्टर लगाया गया है तो इससे किसको डर है और किसको समस्या। तो उसके बाद आज अगर जिस तरह से केजरीवाल का अरविंद केजरीवाल हटाओ देश बचाओ से पोस्टर लगे, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन कौन किया है, क्योंकि अगर हम कल की बात करें पोस्टर की बात करें तो यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं ले रहा है कि किसने पोस्टर लगाया है। आम आदमी पार्टी पल्ला झाड़ रही है, हालांकि सबसे पहले ट्वीट आम आदमी पार्टी का है, तो ट्वीट कांग्रेस का आया था, जिस ट्वीट में माध्यम से कांग्रेस ने कहा था कि इस तरह पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए। बिल्कुल गौरव, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, तो आखिर इस प्रदर्शन की वजह क्या बताई जा रही है? सिर्फ पोस्टर को लेकर प्रदर्शन होगा?
जी देखो, यहाँ पर पोस्टर को लेकर प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी यहाँ पर बीजेपी के साथ पूरी तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या देश की राजनीति की बात करें, तो यहाँ पर अगर विपक्ष की भूमिका की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी है जो लगातार विपक्ष की भूमिका लगा रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं केजरीवाल का कहना भी है कि जिसने ये पोस्टर लगाए हैं उन पर FIR ना की जाए। ठीक है, उनकी अपना विचार है, उनकी अपनी व्यक्तित्व है, उनकी अपनी संवेदना है, और अगर संवेदना उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को हटाने में देश बच सकता है तो निश्चित रूप से वो पोस्टर लगाने के लिए यहाँ स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता का व्यक्ति का अधिकार हमारे देश में है, और ये अधिकार हमको संविधान देता है, और संविधान के तहत अगर कोई पोस्टर लगाता तो उसका FIR ना की जाए। हालांकि कल जिस तरह से FIR की गई थी, कल गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल का ये यूटर्न नहीं बल्कि ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। लेकिन गौरव, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कह रहे हैं कि सबकी अपनी स्वतंत्रता है, पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ गिरफ्तारी ना की जाए, तो आखिर फिर प्रदर्शन की वजह क्या बची? देखिए, प्रदर्शन की वजह सबसे पहले यही बात है कि यहाँ पर हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि आप पोस्टर लगाए गए और FIR नहीं होने दे रहे हैं, केजरीवाल ने मना किया FIR करने से। कहीं ना कहीं ये एक बहुत रणनीति है कि देखिए, हमें अगर किसी ने लगाया है तो उसके प्रदर्शन भी है। हम ये भी बता रहे हैं कि किसी पोस्टर लगाया है पर FIR न की जाए, ये बड़ा आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दिखा रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अमेठी के रहने वाले आरिफ से सारस को दूर किए जाने को लेकर यूपी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लगातार ट्वीट के जरिए वो सरकार और पक्षी विहार पर हमला बोल रहे हैं, जिसको लेकर कल उन्होंने एक ट्वीट साझा किया था जिसमें उन्होंने पक्षी विहार से सारस के गायब हो जाने को लेकर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और कहा भाजपा सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। वही जिसके बाद आज उन्होंने ट्वीट कर सारस के मिल जाने की भी अब खबर साझा की है। तो आरिफ और सारस पक्षी की जो दोस्ती थी उसको लेकर जहां एक तरफ अखिलेश यादव उसको माध्यम बनाते हुए योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं अब उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें बीते दिनों ये ट्वीट किया गया कि पक्षी विहार से सारस उड़ गया है, तो वहीं अगले ही पल उनका एक ट्वीट आता है कि सारस मिल गया है। तो ये बीते 24 घंटे के अंदर अखिलेश यादव द्वारा दो अलग अलग ट्वीट किए गए हैं। ये वही सारस पक्षी है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर अब यूपी की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और अब सारे मुद्दे जो हैं वो सारस पर आकर टिक गए हैं। चूंकि सारस यूपी का राजकीय पक्षी है, ऐसे में सारस और आरिफ की दोस्ती एक साल से ज्यादा की बताई जा रही है, जिसको योगी सरकार द्वारा अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि उन दोनों को अलग कर दिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, जहां बीते दिनों अखिलेश यादव ने ये कहा कि सारस गुम गया है, वन विभाग उसे खोजे, तो वहीं 24 घंटे से भी कम समय के अंदर उनका दूसरा ट्वीट आया कि सारस मिल गया है। सारस के मित्र आरिफ के साथ अपना मन साझा करते हुए जो आरिफ का सारस था उसे वन विभाग के कब्जे में लेने को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आए। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आज सुबह 9:55 पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया जाता है, जिस ट्वीट में कहा जाता है कि सारस जो पक्षी विहार है वहां से गायब हो गया है और सारस जो पक्षी प्रेमी है वो कहीं ना कहीं से लापरवाही से आंदोलन कर सकते हैं। उसके ठीक बाद आपको बताएं मुस्कान कि सारस पास के एक पक्षी विहार से उड़कर पास के एक गांव में जा पहुंचा। लगभग 12 किलोमीटर का सफर करके सारस एक गांव पहुंचा जहां ग्रामीणों ने वन विभाग को फिर सूचना दी और ग्रामीणों के मुताबिक सारस के पैर में दिक्कत भी देखने को मिल रही है। जो और साथ ही आपको बताया कि जब सारस मिलता है नजदीक के गांव में तो तमाम जो ग्रामीण हैं उसे खाना खिलाते हुए पानी पिलाते हुए एक वीडियो आता है जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया जाता है। आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें सारस एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। बिल्कुल, चूंकि सारस एक राजकीय पक्षी है और लगातार हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि जब यूपी की राजनीति है वो सारस के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों सारस को इस तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या चाहे वो विपक्षी पार्टियां ही क्यों ना हो? जी मुस्कान, अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत तब होती है
जब सारस के मित्र आरिफ से सारस को वापस लिया जाता है और वन विभाग के कर्मचारी उनके गांव पहुंचते हैं और सारस को अपने कब्जे में लेकर और उसके पूरी देखभाल की वादा करते हुए वो पक्षी विहार ले जाते हैं रायबरेली में। और बात की जाए तो इस कहीं ना कहीं इससे कहा जाता है कि अखिलेश यादव अपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आरिफ के साथ मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा जाता है कि सारस एक ऐसा पक्षी है जो अपने जोड़ों में रहना पसंद करता है और जोड़े से कहीं ना कहीं जब अलग होता है तो इसके इसका एक बुरा परिणाम देखने को मिलता है, सारस की स्वास्थ्य में भी प्रभाव देखने को मिलता है। उसके ठीक बाद ऐसा पहली मर्तबा हुआ है मुस्कान कि सारस जैसा पक्षी जो कि मनुष्य से कहीं ना कहीं दूर नजर आता है वो मनुष्य को अपना दोस्त बनाकर यानी कि आरिफ को अपना दोस्त बनाकर लगभग 7 महीने उसके साथ रहता है, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी उसे पक्षी विहार ले जाते हैं। पक्षी विहार से आज सुबह लगभग 9:55 पे खबर आती है कि सारस वहाँ से गायब है। उसके ठीक बाद आपको बताएं कि रायबरेली में पक्षी विहार से 12 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव में पाया जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासत है सारस को लेकर वो तेज हो जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो अखिलेश यादव अभी तक ऐसा बयान नहीं दिए हैं कि सारस आरिफ को वापस किया जाए, मगर क्या आरिफ को सारस फिर से वापस दिया जाता है? बिल्कुल विभांशु, वन विभाग तो सारस को इसीलिए लेके गया था ताकि उसके अच्छे से देखभाल हो सके, लेकिन जो सारस है वो वन विभाग के कब्जे से भी बाहर आ गया, तो ऐसे में किस तरीके से उसकी देखभाल की जा रही है? क्योंकि ये कहा गया था कि सारस राजकीय पक्षी है तो उसको वन विभाग अपने साथ लेके जा रहा है, लेकिन अब राजकीय पक्षी को भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रायबरेली के पक्षी विहार की एक बड़ी लापरवाही सामने आई इस मामले को लेकर, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि सारस कहाँ है तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि पक्षियों के झुंड के साथ वो कहीं उड़ गया है। उसके ठीक बाद एक गांव में जब वो मिलता है और उसके पैर में फिर चोट पाया जाता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो पक्षी विहार के अधिकारी हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर आपकी गैर जिम्मेदारी की वजह से सारस एक बार फिर चोटिल अवस्था में गांव में पाया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर सियासत कहां जाती है। और जब बात की जाए तो अखिलेश यादव कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुके थे कि वो एक पक्षी है और उसे कौन कैद कर पाएगा, वो उड़ जाएगा। आपको बताया कि कहीं ना कहीं सारस को लेकर सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी चल रहा है, जिसमें एक हैशटैग को फॉलो कर ट्रेंड कराया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सारस आरिफ को वापस करो। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मानवता को देखते हुए और पक्षियों को प्रेम को देखते हुए क्या आरिफ को सारस वापस दिया जाता है, वो आने वाला समय बताएगा। मगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर सरकार पर और वन विभाग के अधिकारियों पर पूरी तरह से हमलावर है। बिल्कुल, देखने वाली बात ये भी होगी कि अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको मुद्दा उठाया और लगातार वो ट्वीट करते हुए भी जो सत्ता के नेता है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उन पर निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में जो सत्ता पक्ष के नेता है उनकी तरफ से अभी तक क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है या उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल ये मामला तूल में आया और अब तक कोई भी सत्ता पक्ष से इस पर अपना जवाब नहीं दिया है। और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि हम जरूर तमाम जो नेता हैं उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे इस मामले को लेकर, मगर बात की जाए हाल फिलहाल में तो ऐसे कोई भी बयान नहीं आए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के कई नेता सारस के मामले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, साथ ही साथ वन विभाग के जो अधिकारी हैं रायबरेली के पक्षी विहार के उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि आखिर जब वो सारस को ले जाते हैं तो आखिर उड़ कैसे गया और एक बार फिर चोटिल अवस्था में वो पक्षी विहार से 12 किलोमीटर दूरी के गांव पे मिलता है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कार्रवाई होती है या नहीं होती है और सारस को अब फिर से एक बार पक्षी विहार ले जाया गया है, अब आगे क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा। मगर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सारस राजनीति का केंद्र बना हुआ है और सोशल मीडिया से लेकर और समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेता तो ट्वीट करके सारस को वापस आरिफ को देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
नई पेंशन योजना वापस लेने के लिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन जारी है। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य कर्मचारी एकजुट हो गए हैं, जिसको लेकर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर देश में 11 अप्रैल को धरना प्रदर्शन होगा, जहां इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर पीएम और सीएम को संबंधित ज्ञापन भेजा जाएगा। वह इस प्रदर्शन में अगले आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी। बता दें कि 75 जिलों में प्रदर्शन की तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया गया है। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 11 अप्रैल को प्रदर्शन होना है, जिसको लेकर यूपी के सभी 75 जनपदों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, 11 अप्रैल को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यूपी के सभी 75 जिलों में प्रदर्शन देखने को मिलेगा, किस तरीके से जो राज्य और केंद्र कर्मचारी है उन्होंने रणनीति तैयार की है प्रदर्शन करने के लिए? जी मुस्कान, आपको बता दें कि इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन की आह्वान पे अब ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन के जो मामले हैं वो एक बार फिर राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धरना एवं तमाम प्रदर्शन के माध्यम से एक बार फिर कर्मचारी मांगते हुए नजर आएंगे। इससे अगर बात की जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम में राज्य एवं केंद्र के सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर धरनारत रहेंगे। आपको बताएं कि इसका पूरी तरह से रूपरेखा तैयार कर लिया गया है और आने वाले 11 अप्रैल को एक प्रदेशव्यापी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर धरना देखने को मिलेगा। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो कार्य का बहिष्कार कर और तमाम जगहों पर अपनी मांगों को मांगते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में हाल फिलहाल में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की भी आशा अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आपको बताएं कि 2022 का जब चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में भी रखी थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम वापस से उत्तर प्रदेश में स्थापित करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, जिसका नतीजा रहा कि पोस्टल बैलेट में जिसमें तमाम अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगती है वहां पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है, अगर कांग्रेस यूपी में या अगले लोकसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाती है तो किस तरीके से कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? जी वही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव में आपने देखा कि पोस्टल बैलेट में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं एक भारी विजय मिली थी, क्योंकि अगर बात करें तो लगभग 90% पोस्टल बैलेट की जब गिनती हुई तो 90% जो परिणाम था वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया था। उसका ठीक एक बार फिर 2024 चुनाव में भी नतीजों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश समेत देश भर के जो कर्मचारी हैं केंद्र और राज्य सरकार के, वो लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार से अपने मामले पर ध्यान केंद्रित करने को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव है 2024 में, उससे ठीक पहले एकजुटता के साथ पूरे एकजुट होकर जो राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए लगातार प्रदेश के अंदर में आवाज उठा रहे हैं। और जो देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए क्या इस मामले को अपने मैनिफेस्टो में रखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2024 में परिणाम कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में गया था पोस्टल बैलेट से, तो इसका सीधा फायदा अब लोकसभा चुनाव में कौन लेता है वो आने वाला समय बताएगा। मगर पूरी तरह से 2024 चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले को उठाना कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मंच भी हो सकता है, क्योंकि बात की जाए तो आपने देखा कि बीते दिन राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर प्रदेश भर के जो तमाम जिला मुख्यालय हैं, जो अलग अलग जिलों के जिला मुख्यालय हैं, वहां पर केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों ने एक धरना प्रदर्शन किया एक दिवसीय, जिसके माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है उसमें कहीं ना कहीं अब रफ्तार डालने का प्रयास किया गया। उसके ठीक बाद अभी 11 अप्रैल को 2004 में न्यू पेंशन स्कीम आई थी हमने देखा, लेकिन आज साल 2023 चल रहा है और लगातार इन बीते सालों में सिर्फ हमने प्रदर्शन ही देखा, लेकिन इनकी मांगों को आज तक ध्यान नहीं दिया गया, तवज्जो नहीं दी गई। क्या क्यों वजह, मतलब इसकी वजह क्या निकल के सामने आ रही है कि इनकी मांगों पर आज तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जी मुस्कान, आपको बता दें
को लेकर आरबीआई की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई थी। कहा गया था कि कोविड के बाद से जो हमारा कोष है उसमें कहीं ना कहीं संतुलन स्थिति में है, यानी कि बेहतर स्थिति में है, मगर ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर हम लागू करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे कोष पे पड़ेगा। तो आरबीआई की जो एडवाइजरी है उसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। वहीं इस मामले को लेकर जब दो दिन पहले राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन और साथ ही साथ प्रदेश के अंदर में प्रदर्शन देखने को मिला, उस वक्त जब प्राइम टीवी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और पदाधिकारियों से सवाल पूछा तो उनका यही कहना था कि जब मंत्री और विधायक पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं तो हम कर्मचारी क्यों नहीं ले सकते हैं। साथ ही उनका कहना था कि हम 60 साल तक अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं और जो हमारे बुढ़ापे का सहारा पेंशन है उसे सरकार वापस दे जिससे हम मजबूती से अपने बुढ़ापे को काट सके। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 2003 में हमें 50% हमारे सैलरी का हिस्सा रिटायरमेंट के बाद मिलता था, मगर अब महज 10% मिलता है और साथ ही साथ उन पैसों को सरकार शेयर मार्केट में लगाकर 4% उसमें इजाफा करती है और अब महज अगर हमारा सैलरी 10,000 है तो हमें 1400 मिलता है। और बात की जाए तो 2003 में जब पेंशन स्कीम को बंद किया गया था तो उस वक्त लगभग बात करें तो 10,000 पाने वाले कर्मचारियों की पेंशन 50,000 रुपए मिलती थी, माफ करिएगा 5,000 रुपए यानी कि आधी मिलती थी। इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं प्रदेश और राज्य के कर्मचारी धरनावत है, अपनी मांगों को प्रमुखता से उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में यानी कि 11 अप्रैल को इसको लेकर एक बड़ा धरना भी देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल है वो उसको मुद्दा बनाती है और जो सत्ताधारी पार्टी है इस मामले को लेकर अपना क्या रुख देती है वो आने वाला समय बताएगा। जिस तरीके से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन तो लगातार जारी है, लेकिन क्या लगता है अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये इनका प्रदर्शन एक बड़ा आंदोलन का रूप भी ले सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इनके मामले को लेकर अगर किसी जिम्मेदार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है या इनकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो जो पदाधिकारी हैं, जो इनके मोर्चे हैं, उन पदाधिकारियों का कहना है कि हम दिल्ली के संसद भवन को घेरेंगे, हम विधानसभा भवन घेरेंगे और अपनी मांग को मांगने के लिए हर एक प्रयास करेंगे जिससे सरकार हमारी मांगों को मान सके और साथ ही हमारे जो बुढ़ापे की सहारे हैं, जो हमारी लाठी है उसे वापस दे सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि 11 अप्रैल को जो ये धरना है इसमें क्या रूपरेखा तैयार की जाती है आगे को लेकर, क्योंकि बात की जाए तो मार्च से हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। केंद्रीय मंत्री और पूर्व एक्ट्रेस स्मृति ईरानी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि स्मृति ईरानी को जन्मदिन पर बधाई। इसके साथ ब्रजेश पाठक, गिरिराज सिंह और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें ट्वीट करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके सुखमय जीवन की कामना भी की है। तो इस वक्त आप प्राइम टीवी के टेलीविजन स्क्रीन पर ये ट्वीट्स भी देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को ट्वीट करते हुए उनको जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भी ये ट्वीट किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इन पद्म पुरस्कारों में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। वह पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। आपको बता दें कि प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा और भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर कपिल कपूर और प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका उषा बारले के साथ पंजाबी और हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान रतन सिंह जग्गी को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव, जो कि अपने सपनों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से सपना देखा है। हालांकि सपना तो हर रोज आता जाता है हर किसी को, लेकिन तेज के सपने में क्या आता है आपको बताते हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर अपने सपने का पोस्ट डाला है और मन की बात लिखकर बताया कि मेरे सपने में इस बार साक्षात भगवान वासुदेव आए।
उन्होंने ट्वीट पर लिखा, विश्व रूप दर्शन योग में मुकुट से सुशोभित चक्र और गदा से सुसज्जित शस्त्रों के साथ सर्वत्र दीप्तिमान लोक के रूप में आपके रूप को देख रहा हूँ। इस चमचमाती अग्नि में आपके तेज को देख पाना कठिन है, जो सभी दिशाओं में प्रफुटित होने वाले सूर्य के प्रकाश की भांति है। बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने तरह तरह के अंदाजों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। अब देखना यह होगा कि यह सपना किस बात का संकेत देता है तेज को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। करते नकारात्मक राजनीति करते, हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बात तरह का तो काम लोग करते नकारात्मक राजनीति करते, हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बात तरह का तो काम लोग करते नकारात्मक राजनीति करते, हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बात तरह का तो काम लोग करते नकारात्मक राजनीति करते, हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बात तरह का तो काम लोग करते नकारात्मक राजनीति करते, हम लोग विकास के साधक है, वो लोग जो है बात तरह का तो। तो ये आप तेज प्रताप यादव का ट्वीट भी देख रहे हैं, जो इस वक्त हम प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अक्सर वो अपने बयानों को लेकर, अपने अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और अक्सर उन्हें तरह तरह के सपने भी आते हैं। और वहीं एक बार फिर से तेज प्रताप यादव को एक सपना आया है जिसमें उन्होंने ट्वीट भी किया है, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। लेकिन अब उनका इशारा किस तरफ है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बार फिर से तेज प्रताप यादव का ट्वीट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो ये आप तेज प्रताप यादव का ट्वीट भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।